please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. उत्तराखंड में चमोली के क्षेत्रपाल इलाके में भारी बारिश की वजह से पहाड़ का मलबा बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर आ गया, जिसकी वजह से वहां आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। चमोली समेत उत्तराखंड के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश ने एक बार फिर लोगों की मुसीबत बढ़ा दी, जिसकी एक वानगी चमोली में देखने को मिली, जहां लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर आ गया, जिसकी वजह से वहां गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। पहाड़ का मलबा हटाने के लिए प्रशासन ने मशीन की मदद ली, लेकिन लगातार बारिश और पहाड़ टूटने की वजह से मलबे को हटाया नहीं जा सका, लिहाजा प्रशासन ने वहां फंसे मुसाफिरों को फौरन सुरक्षित जगह पहुंचाया। वहां पे जितने भी यात्री दोनों तरफ रुके स्टैंडर्ड हैं, उन लोगों के रुकने और खाने का इंतजाम वहां पे करा दिया गया है। वहीं उत्तरकाशी में भी पहाड़ टूटने की वजह से नेशनल हाईवे 94 बंद हो गया, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कमोबेश ऐसे ही हालात मसूरी में भी देखने को मिले, जहां गलोगी धार इलाके में बारिश की वजह से पहाड़ का मलबा सड़क पर आ गया, जिसकी वजह से वहां घंटों आवाजाही ठप रही। गनीमत ये रही कि पहाड़ के मलबे की चपेट में कोई गाड़ी नहीं आई। पहाड़ टूटने की खबर मिलने के बाद पीडब्ल्यूडी की टीम मौके पर पहुंची और मशीन की मदद से मलबे को हटाने में जुट गई, लेकिन मलबे के साथ बड़े बड़े पत्थर भी सड़क पर आ गए, जिनको हटाने में काफी वक्त लग गया। लगातार एक महीने से लैंडस्लाइड जारी है, रोज प्रतिदिन रोड बंद हो रही है, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। हर रोज यहाँ पर दो दो तीन तीन चार चार घंटे लोग फंस रहे हैं, अधिकारी कोई मौके पे नहीं आता, सिर्फ मशीनें भेज देते हैं। उत्तराखंड में लगातार बारिश की वजह से अधिकतर नदियां एक बार फिर उफान पर आ गईं। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में अगले 3 दिन में भारी बारिश की चेतावनी जारी की, जिसको देखते हुए प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में खेले जा रहे एशियन गेम्स के समय कुछ लोग मेंस ट्रैप इवेंट खत्म होते ही तालियां बजाने लगे। इस इवेंट में दूसरे स्थान पर रहे भारत के निशानेबाज लक्ष्य ने सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। इस मेडल के साथ ही एशियन गेम्स 2018 में भारत को मिले पदकों की संख्या 5 हो गई। एशियन गेम्स के पहले दिन कुश्ती में बजरंग पुनिया ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत कर खाता खोला था। अच्छा महसूस हो रहा है, मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, अब तक का मैंने बेस्ट किया है इस कंपटीशन में, अच्छा लगा मुझे ये खेल के। छत्तीसगढ़ में कोंडागांव के एक स्कूल में वहां के कुछ कर्मचारी घुटनों तक भरे पानी के बीच चलने लगे, वहां हुई भारी बारिश के बाद स्कूल का मैदान तालाब में तब्दील हो गया, जिसकी वजह से वहां पहुंचे कर्मचारियों को पानी के बीच से होकर स्कूल के अंदर जाना पड़ा। इस बीच कुछ छात्र भी पानी के बीच से होकर गुजरते नजर आए। स्कूल के मैदान में खड़ी बसों के पहिए भी पानी में डूबे दिखे। मेरे देखते देखते 20 साल से ये परेशानी है और परंतु आज तक कोई निर्णय नहीं हुआ। उधर बीजापुर में कुछ लोग बारिश के बाद मकान में घुसे पानी और कीचड़ को बर्तन की मदद से बाहर निकालते दिखाई दिए। कई इलाकों में बाढ़ की वजह से सैकड़ों लोगों के बेघर होने का दावा किया गया, जबकि भारी बारिश के बाद सड़कें टूटी फूटी नजर आईं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे 250 से ज्यादा बच्चों को सुरक्षित निकाल कर एक स्कूल में बने राहत शिविर में रखा गया है। हमारे बच्चों को बचाना बहुत जरूरी है, हम जान जोखिम में डाल के भी हम बचाएं बच्चों। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर बहने वाली इंद्रावती नदी भी उफान पर है, जिसकी वजह से लोग जान जोखिम में डालकर नाव के जरिए नदी पार करने को मजबूर हैं। मेंस ट्रैप इवेंट में लक्ष्य के सिल्वर मेडल जीतने से पहले 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में दीपक कुमार ने भी सिल्वर मेडल जीता। अपनी जीत के बाद दीपक ने इसकी वजह अपने कोच से मिली प्रेरणा बताई। दीपक ने दावा किया कि इस मेडल की बदौलत वो नए खिलाड़ियों के लिए एक उदाहरण बनेंगे, जिससे मेहनत कर रहे खिलाड़ियों को फायदा पहुँचेगा। शूटर्स जो हैं, जिनके लिए मैं मोटिवेशनल का एक स्रोत मानता हूं अपने आप को, जो मानते हैं कि मैं उनका कुछ आगे जाने वाला बड़ा भाई है, बड़ा शूटर है, तो उन सब के जो लेवल के हिसाब से सोचा जाए तो मेरे जीवन में इस मेडल का बहुत बड़ा महत्व है। उत्तराखंड के गढ़वाल में एक सड़क पर जुटे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने एक पुतले को जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। ये कार्यकर्ता उत्तरकाशी में 12 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या का विरोध करने जुटे थे और गढ़वाल के गोला पार्क में इकट्ठा होकर एक पुतले को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने रेप और हत्या के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर खूब नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने रेप के आरोपियों को फांसी दिए जाने की मांग की। सख्त से सख्त सजा नहीं, उनको फांसी के फंदे पर उनको लटकना चाहिए, फांसी की सजा उनके होनी चाहिए। बताया गया कि उत्तरकाशी में 18 अगस्त की रात 12 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि आरोपियों ने सो रही बच्ची को अगवा किया और फिर रेप के बाद उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने फिलहाल इस मामले में 11 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने का दावा किया, जिनमें ज्यादातर संदिग्ध पीड़ित के गांव के ही बताए गए। इस मामले में पुलिस ने पीड़ित बच्ची की बहन से भी पूछताछ की, जबकि इलाके के लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
जिसको देखते हुए गढ़वाल रेंज के आईजी और डीआईजी भी लगातार इलाके में मौजूद। हालांकि पुलिस की तमाम सख्ती के बाद भी लोगों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए भारी पुलिस बल को लगाना पड़ा, लेकिन आरोपियों को सजा दिए जाने की मांग पर अड़े लोग पुलिस से ही उलझ पड़े, जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। उधर बच्ची के रेप और हत्या का विरोध कर रही भीड़ ने गंगोत्री हाईवे पर जाम लगा दिया, जिसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर कई घंटों बाद रास्ता खुलवाया। पुलिस ने एहतियातन उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली और पौड़ी जिलों में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया, लेकिन इसके बाद भी लोगों के विरोध प्रदर्शन पर कोई असर नहीं पड़ा और प्रदर्शन कर रहे लोग आरोपियों को सजा देने की मांग को लेकर तोड़फोड़ पर उतर आए। हालात बिगड़ते देख खुद आईजी वहां पहुंचे और लोगों से बातचीत कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। हमारे तो बहुत आसान हो गया पुलिस के लिए कि चार को पकड़ा, जेल में भेजा, आप लोग भी वाहवाही करेंगे, लेकिन भाई कोई बेगुनाह चला जाए और जो गुनहगार हो आप ही के बीच में रह जाए वो ठीक नहीं। इससे पहले गुस्साए लोगों ने बाजार बंद करवा दिया और तोड़फोड़ कर प्रदर्शन किया। भीड़ ने कई घंटों तक पीड़ित के अंतिम संस्कार को रोके रखा। उत्तरकाशी में हालात को देखते हुए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लोगों को कानून पर भरोसा बनाए रखने की अपील की। अपराधियों को पकड़ा जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत दर्दनाक सर्वनाश घटना है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों ने जांच के लिए एसटीएफ समेत सीओ उत्तरकाशी के नेतृत्व में दो टीमें बनाने का दावा किया। लखनऊ में इमारत का हिस्सा गिरने से कई गाड़ियां टूट गयी। लखनऊ के हजरतगंज में चार मंजिला जर्जर इमारत का हिस्सा गिरने से कई गाड़ियां टूट गयी, जबकि सड़कों पर लंबा जाम लग गया। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने नैनीताल में अवैध अतिक्रमण हटवाने की याचिका दाखिल करने वाली वकील के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर राज्य के सभी जिलों के डीएम को नोटिस जारी कर उनसे पूछा कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। यूपी के बागपत में जमानत पर जेल से छूटे हत्या के आरोपी की बाइक सवार बदमाशों ने मंदिर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। 23 अगस्त को उत्तराखंड में अलकनंदा, गंगा, गोलगंगा और बागेश्वर में अटल जी की अस्थियां विसर्जित की जाएंगी। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री राजा हरिदमन सिंह ने आगरा के बटेश्वर में अटल जी की यादों को संजोने के लिए किले की जगह देने की पेशकश की। यूपी के बलरामपुर में राप्ती नदी में उफान की वजह से पानी को रोकने के लिए बनाए गए मिट्टी और पत्थर के टीले कटान की कगार पर पहुंच चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी के साथ राज्य के 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में भी मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, जिसमें कुमाऊं मंडल के जिलों में ज्यादा बारिश की आशंका है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में फैशन डिजाइनिंग की एक छात्रा ने रॉन्ग साइड से कार चलाकर एक महिला को कुचल दिया। महिला आरोपी लड़की की कार के नीचे फंसकर करीब 100 मीटर तक खिसकती चली गई, जिससे उसकी मौत हो गई। यह घटना रविवार की रात 9 बजे की है। फैशन डिजाइनिंग की छात्रा ने जिस महिला को कुचला वो 50 साल की थी और भीख मांग कर गुजारा करती थी। हादसे के बाद आरोपी लड़की ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे अगले चेक पॉइंट पर गिरफ्तार कर लिया। 20 साल की आरोपी छात्रा बरेली के एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। पुलिस ने लापरवाही से गाड़ी चलाने और गैर इरादतन हत्या के मामले में लड़की को गिरफ्तार करने के बाद जमानत पर छोड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को लिखी चिट्ठी में दोनों देशों के बीच बेहतर तालमेल की उम्मीद जताई। 18 अगस्त को लिखी गई इस चिट्ठी में प्रधानमंत्री ने इमरान को सरकार बनाने के लिए बधाई भी दी। साथ ही उन्होंने वादा किया कि भारत पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते कायम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इमरान खान को लिखी चिट्ठी में प्रधानमंत्री ने दोनों देशों में साझेदारी बढ़ने की भी उम्मीद जताई। हिंदुस्तान के वजीर आजम का कल खत आया है, उन्होंने गुफ्तगुशुनीद के रास्ते का आगाज का पैगाम दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने दोनों देशों के बीच बातचीत की वकालत की। वहीं दूसरी ओर इमरान खान को लिखी प्रधानमंत्री की चिट्ठी से दिल्ली में सियासी हलचल बढ़ गई और कांग्रेस ने इस बहाने सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि पाकिस्तान को चीर देंगे। टीवी चैनलों के बाहर जमीन पे कहते हैं पाकिस्तान जाएंगे और उनको खीर देंगे। हालांकि कांग्रेस ने दावा किया कि पाकिस्तान के मामले में पार्टी सरकार के हर फैसले के साथ खड़ी है। मुजफ्फरपुर रेप कांड से हो रही चौतरफा आलोचना के बाद बिहार सरकार ने सुधार गृहों का काम देख रहे 50 एनजीओ पर गाज गिराते हुए उनसे काम छीन लिया। इन एनजीओ और समाज कल्याण विभाग के बीच हुए समझौते को रद्द किया गया है। सरकार ने यह फैसला उस रिपोर्ट के आधार पर किया, जिसमें बताया गया कि एनजीओ द्वारा संचालित सुधार गृहों में जीने के हालात बेहद खराब है। वहां खाने में घटिया सामान का इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही एक कमरे में उसकी क्षमता से कहीं ज्यादा लोगों को रखा जाता है। इन सुधार गृहों में इलाज और मेडिकल की भी कोई खास व्यवस्था नहीं है।
चंडीगढ़ के हरियाणा निवास में पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री एक अहम बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। इन तीनों नेताओं समेत 6 राज्यों के प्रतिनिधियों ने ड्रग्स के नेटवर्क को खत्म करने की रणनीति पर चर्चा की, जिसके लिए पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत एक साथ मीटिंग में पहुंचे। इस बैठक में राजस्थान और दिल्ली की सरकार के बड़े अधिकारी भी शामिल हुए, जबकि हिमाचल प्रदेश के सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग में हिस्सा लिया। इस बैठक में सभी 6 राज्यों में ड्रग्स के नेटवर्क को खत्म करने और नौजवानों को नशे की लत से बचाने के उपायों पर चर्चा की गई। साथ ही ड्रग्स की समस्या से निपटने के लिए पंचकुला में एक साझा सचिवालय बनाने का भी ऐलान किया गया। साझा सचिवालय इस समस्या के निदान के लिए बनाया जाए, सभी प्रदेश एक एक नोडल अधिकारी इसके लिए बनाएंगे। ड्रग्स के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए बीते महीने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चिट्ठी लिखकर आसपास के राज्यों से एकजुट होने की अपील की थी। कर्नाटक के पीडब्ल्यूडी मंत्री एचडी रेवन्ना एक राहत कैंप में लोगों की तरफ बिस्किट के पैकेट फेंकने लगे। बाढ़ पीड़ित लोगों की ओर बिस्किट फेंकने की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया, जिस पर लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। सीएम कुमारस्वामी के बड़े भाई और पीडब्ल्यूडी मंत्री एचडी रेवन्ना हासन जिले के एक स्कूल में बने राहत कैंप पहुंचे थे, लेकिन वहां मौजूद महिलाओं और बच्चों के हाथ में बिस्किट के पैकेट देने की बजाय वो उनकी ओर पैकेट फेंकने लगे। खबर के मुताबिक इलाके में बाढ़ की मुश्किल झेल रहे करीब 30 लोगों ने राहत कैंप में आसरा लिया है। मंत्री इन लोगों की मदद करने पहुंचे थे, लेकिन जिस तरह उन्होंने बिस्किट के पैकेट फेंके उससे लोग नाराज हो गए और इसे जानवरों जैसा सलूक बताया। वीडियो सामने आने के बाद विपक्ष ने भी मंत्री पर हमला बोला।